गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ेंगे? हरियाली बुक में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? मात्रा ज्ञान। क्या नेम है जिसका? मात्रा ज्ञान। कविता व कहानी है मात्रा ज्ञान में। क्या है इसमें? इसमें है मात्रा ज्ञान। क्या है? मात्रा का ज्ञान। ओके, प्रस्तुत अध्याय में मात्राओं का ज्ञान कराया गया है। सभी मात्राओं का लेखन स्थान भिन्न होता है, अतः हमें इन्हें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। ओके, स्वर का बदला रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वर का बदला रूप मात्रा कहलाता है। ओके, तो ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। ये क्या है? कै। क्या है? कै। जब इस कै के आ की मात्रा लगेगी, जब कै के आ की मात्रा लगेगी तो कै का क्या बन जाएगा? कै का क्या बन जाएगा? कै का का बन जाएगा। जब कै के आ की मात्रा लगेगी तो तब हम कै को क्या बोलेंगे? कै को बोलेंगे का। तो ये क्या हो गया? कै के आ की मात्रा लगने से कै का क्या बन गया? का बन गया। क्या बन गया? का। तो ये क्या हो गया? कान। कान। क्या हो गया? कान। ये क्या है? ये है दै। क्या है? दै। और ये क्या है? आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। और ये क्या है नीचे दै के? ये है हलंत। क्या है? हलंत। जब हम आधा दै को लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। तो जब इसमें आ की मात्रा ऐड हो जाएगी तो दै का क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दै का क्या बन गया? दा। क्या बन गया? दा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दाल। दाल। क्या हो गया? दाल। दाल। ओके, ये क्या है? ये है आधा दै। कैसे पता चल रही है दै आधा है? कैसे पता चल रहा है? इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके नीचे? हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने से ये दै क्या हो गया? ये दै आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। तो और ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। क्या है? छोटी ई की मात्रा। जब इस दै के छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो दै का क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? दिल। दिल। क्या हो गया? दिल। दिल। दै के ई की मात्रा लगने से दै का क्या बन गया? दी बन गया। और ये क्या हो गया? दी। और ये क्या है? ल। तो ये क्या बन गया? दिल। दिल। ओके, ये क्या है? ये है आधा स। कैसे पता चल रहा है ये स आधा है? इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने से स क्या हो गया? स आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। ओके, ये क्या है? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। जब स के छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो स का क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सितार। सितार। क्या हो जाएगा? सितार। सितार। ये क्या है? ये है बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई। ये क्या है? दै। क्या है? दै आधा दै। और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। क्या है? बड़ी ई की मात्रा। जब दै के बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो दै का क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। क्या? ये क्या है? ई। तो दै का क्या बन गया? दी। तो ये क्या हो गया? दीपक। 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 ओके, और ये क्या है?
ल, क्या है ल, और ये किसकी मात्रा है, बड़ी की, तो ल के बड़ी की मात्रा लगने से क्या हो गया, ली, क्या हो गया, ली, तो ये क्या हो गया, मैं छैली मछली, ली, किसकी मात्रा आ रही है, ई की, ली, मैं छैली मछली, ये क्या है, से, क्या है, से, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, और ये क्या है, ऊ की मात्रा, क्या है, ऊ की मात्रा, जब से के ऊ की मात्रा लगेगी तो से का क्या बनेगा, सू बनेगा, क्या बनेगा, सू, से का क्या बन जाएगा, सू, किसकी मात्रा लगी, ऊ की, तो ये क्या हो गया, सुबह है, सुबह है, क्या हो गया, सुबह है, ये क्या है, गए, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत, और ये क्या है, ऊ की मात्रा, और ये तो गए का क्या बन गया, गू, तो ये क्या हो गया, गुलाब है, गुलाब, क्या हो गया, गुलाब है, गुलाब, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, आ, ई, ई और ऊ की मात्रा के कविता व कहानी पढ़ते हैं, किसकी मात्रा वाली, आ, ई, ई व ऊ की मात्रा वाले, ओके, दिन निकल आया, दिन क्या आया, निकल, ये क्या है, दिन है, दिन, क्या है ये, किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, तो ये क्या है, दिन निकल आया, तभी उजाला छा गया, दिन निकल आया तभी उजाला छा गया, बुढ़िया बीमार थी, बुढ़िया क्या थी, बीमार थी, बुलबुल तिनका लाकर घर बना रही थी, बुलबुल क्या कर रही थी, तिनका लाकर घर बना रही थी, क्या कर रही थी, घर बना रही थी, दिन निकल आया तभी उजाला छा गया, बुढ़िया बीमार थी, बुलबुल तिनका लाकर घर बना रही थी, ओके, आगे देखो, नानी सुबह उठी, नानी सुबह उठी, वह सुराही भरकर लाई, नानी सुबह उठी, वह क्या भर के लाई, वह सुराही भर के लाई, चिड़िया फिर आई, चिड़िया फिर आई, वह दाना चुककर खुश हुई, वह दाना चुककर क्या हुई, खुश हुई, इस खुश में किसकी मात्रा लगी हुई है, इस खुश में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो खै का क्या बन गया, ये खू बन गया, क्या बन गया, खै का खू बन गया, तो ये क्या हो गया, ये खुश हो गया, खुश, तभी नानी की सखी लीलावती आई, तभी नानी की सखी कौन आई, लीलावती आई, वह खीर बनाकर लाई, क्या बनाकर लाई, खीर बनाकर लाई, खीर खाकर नानी खुश हुई, खीर खाकर नानी खुश हुई, नानी तब कहानी सुनाया करती थी, नानी क्या किया करती थी, कहानी सुनाया करती थी, तो ये क्या है, ये आ की, ई की और ई की और ऊ की मात्रा की कविता है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको मात्रा आ, ई, ई और ऊ की मात्रा को अच्छे से पढ़ना है, और ये आपको ये देखना है कि जब द की, ऊ की, आ की मात्रा लगेगी तो इसका क्या बनेगा, जब द की, ई की मात्रा लगेगी तो इसका क्या बनेगा, जब द की, ऊ की मात्रा लगेगी तो इसका क्या बनेगा, ओके, ऐसे आपको अच्छे से देखना है, आपको खुद को ऐसे शब्द बनाने हैं, क्या करने हैं, मात्रा लगाकर अच्छे से आपको शब्द बनाने हैं, ओके, आज आप क्या करोगे, आज आप आ, ई, ई, ऊ की मात्रा वाले शब्द अच्छे से बनाओगे, क्या करोगे, इनकी मात्रा वाले शब्द को अच्छे से बनाओगे, ओके, फिर इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे, क्या करनी है, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको आ, ई, ई और ऊ की मात्रा को अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए, और आपको इनको लिखना भी आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मात्राएं कैसे लगती है, क्या पता होना चाहिए कि ये मात्राएं कैसे लगती है, ओके, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ओके, थैंक यू बच्चों।
और आपको पता होना चाहिए ये मात्रा कैसे लगती है, और इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे, क्या करोगे इसको अच्छे से पढ़ोगे, ओके। और मात्राओं को अच्छे से, मात्राओं को लगाना अच्छे से सीखोगे, ओके ओके। थैंक यू बच्चों।